चाकूबाजी में एक युवक की हत्या करने के मामले में चास पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत यदुवंश नगर में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में यदुवंश नगर निवासी की हत्या के आरोपियों को चास पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार शाम 5 बजे के बाद की है, जब यदुवंश नगर में एक ही गुट के कुछ लोग आग ताप रहे थे और नशा का भी सेवन कर रहे थे। इसी दौरान पैसे के लेन देन के हिसाब को लेकर आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई, जिसमें 22 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ मोनू बुरी तरह से घायल हो गए थे। तभी स्थानीय लोगों की मदद से बोकारो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों के फर्द बयान दर्ज बयान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। डीएसपी चास पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने चाकूबाजी की घटना का उद्भेदन करते हुए बताया कि चारों आरोपी पहले भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। चोरी छिनतई लूट आदि में जेल भी जा चुका है। वहीं मृतक भी पूर्व में अपराध की घटना में संलिप्त रह चुका है। इस मामले में क्या सफलता आप लोगों का, क्या है पूरा मामला, क्या था? हाँ, कल दिनांक 30/1/2022 को जयप्रकाश उर्फ मोनू उम्र करीब 22 वर्ष की हत्या उसके कुछ साथियों के द्वारा मामूली विवाद में कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा पुलिस ने पूर्णतः कर लिया है और इसमें शामिल चारों अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में जो प्रयुक्त हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है और इनमें जो गिरफ्तार अपराध कर्मी हैं उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, लूट में भी गए हैं और लूट की घटना में, चोरी की घटना में और अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता पूर्व में भी रही। कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? पिंटू दास उर्फ बप्पी, इंद्रजीत सिंह उर्फ रुनू, रोशन कुमार साव उर्फ छवि और सोनू कुमार की गिरफ्तारी की गई। किस लिए यह हत्या हुई? ये मामूली विवाद पैसे के लेन देन को लेकर के इनके बीच में हुई थी, जिस समय ये लोग शाम में आपस में बैठ करके नशा कर रहे थे, उसी वक्त मामूली विवाद के कारण वो अपने साथी की ही इन लोगों के द्वारा हत्या कर दी। दोनों का ही आपराधिक इतिहास, जो मृतक है उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है और जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। चास के लिए कितने ये लोग सिरदर्द थे? हाँ बिल्कुल सर, अपराधियों की गिरफ्तारी आम पब्लिक के लिए हमेशा से सुखद रहा है और हम लोग का भी यही प्रयास है कि शांति व्यवस्था बहाल रहे और जो भी अपराध कर्मी है उनको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। छोटी सी बात पे इतना बड़ा अपराध हो जाना, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है पुलिस महकमे के लिए डीएसपी साहब? चिंता का विषय तो बिल्कुल है और हम लोग का यही प्रयास है कि जो भी ऐसे अपराध कर्मी है उनको हम लोग जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुँचा दें। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब जरूरतमंदों वंचितों को मिला उनका हक, जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है पर एक और भूख भी जिंदा है, ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाए। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया।
कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार. कास्ट 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.